नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हमारे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा था, तो आज एक नया वीडियो लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव टाइप्स का। कुछ बाकी रह गया था फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टेक्नीशियन भी फिटर का ये BSSC में एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, विक्रम सराभाई स्पेस सेंटर। तो ऑलरेडी इसका चल रहा था, तो ये डिस्कशन चला था, तो लगभग 50 क्वेश्चन जैसा हुआ था फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड्स कल मैं इसका डिस्कशन कर रहा था, तो एक आंसर गलत हो गया था फ्रेंड्स, तो मैं करेक्शन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंसर है यहाँ पे 0.08 होगा फ्रेंड। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मुझे, तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज देख लेते फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा 51 नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स माइनस वाई अंडर रूट इज इक्वल टू 2 एंड अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 14। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जो कि सिंपल मैथ है। तो आपको तो एक्चुअली ये सब करना चाहिए, आप अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत बढ़िया, आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, एक्स माइनस वाई अंडर रूट है इक्वल टू 2 है फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई अंडर रूट इक्वल टू अंडर 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पे इसको ये यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रेंड, या तो और भी बहुत तरीका है। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, प्लस माइनस यहाँ पे कट हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 14 और 4 कितना होता है 18, और x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते फ्रेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज फॉर मेजरिंग हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग इनर डायमीटर डी एंड लिक्विड वॉल्यूम वी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा, हाइट पूछा उसने। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, एक्चुअली यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, इसका अंदर क्या है, ये मान लीजिए इंटरनली मैंने बनाया यहाँ पे, तो देखिए इसका जो डायमीटर है वो डी है फ्रेंड। ठीक है, अंदर का जो डायमीटर वो डी है, तो उसने पूछा इसका हाइट कितना होगा, वो पूछा फ्रेंड। हाइट इज इक्वल टू, हमको पता नहीं है, हमको हाइट लाना है, और टोटल अंदर जो लिक्विड है वो वॉल्यूम है। ठीक है, लिक्विड को हम वॉल्यूम ले लेते हैं, तो हाइट यहाँ पे पूछा, क्वेश्चन पूछा क्या फ्रेंड, हाइट पूछा ना। ठीक है, तो टोटल देखते हैं हम इसको, तो देखिए हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड कोई भी सिलेंड्रिकल का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब क्या है फ्रेंड, डी बाई टू का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 2R होता है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि हाफ RR होता है यहाँ पे, रेडियस अलग होता है, तो पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू हैच, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू हैच, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, 4B बाई पाई डी स्क्वायर इक्वल टू हैच। तो हाइट हमारा यहाँ पे 4B बाई पाई डी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है, हाइट इज इक्वल टू 4B बाई पाई डी स्क्वायर पाई, हाँ, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप इसको पाउस करके नोट्स कर सकते हो। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक विथ साइड 60 सेंटीमीटर। देखिए एक वुडन ब्लॉक है फ्रेंड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है उसका साइड है 60 सेंटीमीटर, एक ऐसा ब्लॉक जैसा है, तो ब्लॉक मतलब क्या है, उसका तीनों साइड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया उसने पूछा, तो देखिए सरफेस एरिया हम कैसे, तो इसका क्या लेंथ वाइड
मतलब तीनों एक्सिस सेम है यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड माने तीन एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना है, एक्स लेंथ टोटल हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मीटर पे दिया है, तो इसको मीटर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.6 मीटर, ठीक है। तो किसी एक साइड का एरिया निकल लेते हैं पहले फ्रेंड, तो एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, कोई भी एक साइड का एरिया 0.6 × 0.6, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 0.36, ठीक है। तो टोटल कितना एरिया है फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरिया, तो इंटू 6 कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6, 1, 2, तो 2.16, यहाँ पे 2.16 मीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रॉम्बस व्हिच हैज साइड ऑफ द 50 mm लेंथ। देखिए ये जो रॉम्बस दे दिया है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे रॉम्बस का मतलब क्या है, पर यहाँ पे 50 mm लेंथ दिया है, सेम लेंथ दिया। देखिए रॉम्बस इस टाइप का होता है, मतलब दो जो साइड, कोई भी दो साइड पैरेलल होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 50 mm लेंथ दिया है, तो उसका क्या होगा, चारों साइड सेम हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एक रॉम्बस को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, पर स्क्वायर को रॉम्बस नहीं बोल सकते। तो इसका सारे सारे क्या 50-50 है दोनों साइड। तो सिंपल साइज का पेरीमीटर क्या होगा, 50-50 हमारा होता है 100 × 200 होता है। तो 200 मिलीमीटर ये mm पे दिया है, तो 20 हमारे यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इन ए सर्कल द ग्रीक लेटर पाई इज यूज टू रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इन ए सर्कल। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है और रिप्रेजेंट द रेशियो। देखिए सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर पूछा है, पाई का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पाई का मतलब हम लाएंगे कैसे, देखिए हमारा जो मानिए ये आर है, रेडियस है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल सर्कमफेरेंस, और उसको हम अलग से क्या बोल सकते फ्रेंड, पेरीमीटर भी बोल सकते, ठीक, पेरीमीटर भी बोल सकते। तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया फ्रेंड, 2πr, ठीक है, पूरा पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे खाली पाई का वैल्यू अगर लाएंगे तो देखिए डी दिया है, तो यहाँ पे डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी बाय टू, ठीक है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी आर है, यह सेंटर पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है, ये आर है। तो पाई इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू लेना है ना हमारा, तो पाई इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2r, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही है 2πr है, तो 2πr बाय 2r। तो देखिए यहाँ पे 2πr जो होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है, और 2r जो होता है वो हमारा डाया होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। देखिए एक होता है हीट और एक होता है टेम्परेचर, दो अलग अलग टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हीट एंड टेम्परेचर अलग अलग होता है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, टेम्परेचर क्या है, एक डिग्री का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, यहाँ पे इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं, ये एनर्जी का फॉर्म नहीं है, इट इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर नहीं, कैलोरीमीटर तो हम हीट ही मेजरमेंट करते हैं, इट इज़ ए मेजर ऑफ हीट, इट हैज़ यूनिट कलर नहीं, इट इज़ मेजर ऑफ हीट, ये हो सकता है फ्रेंड। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल होगा, इट इज़ ए मेजर ऑफ हीट, ठीक है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं ना, हीट देते हैं, मानिए कोई भी एक बॉडी है फ्रेंड यहाँ पे, ये मानिए कोई बॉडी है, इसको हम हीट देंगे, यहाँ से हीट हाई, हीट को बढ़ाएंगे, मतलब हीट देंगे मान लिए, तो हीट यहाँ पे देंगे तो इसका टेम्परेचर जो क्या होगा, इंक्रीज होगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इट इज़ ए मेजर ऑफ हीट हो सकता है, ठीक है। तो हीट एंड टेम्परेचर फ्रेंड एक स्पेशल क्लास लाऊंगा इसके लिए मैं, उसमें पूरा ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फिर देख लेते हैं 57। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस दिस इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानिए कोई भी एक बॉडी है, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है, पदार्थ मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, इसमें ये इसका जो वेट है भाई, इसका मास है 1 ग्राम, ठीक है। तो मानिए ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर। इसको 29 से हम क्या करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस तक इसको बढ़ाएंगे, तो इसमें टोटल डिफरेंस कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो 29 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, रिकॉर्ड कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ हीट, तो कितना हीट चाहिए, ठीक है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया था कोई भी बॉडी को उसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ता है, तो वही हीट का क्वेश्चन देखिए दो दो आया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हीट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको बढ़ाने के लिए उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रेंड, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर। देखिए हायर टेम्परेचर जो होता है उसको मापने के लिए हमारा पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे यूज कर जाता है, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है फ्रेंड, ठीक है। पायरोमीटर जो होता है इंडस्ट्रियल पर्पज, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोमीटर तो नहीं होगा, और ठीक है फ्रेंड। फिर थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर तो क्या है, ये आपका वाटर का जो हमारा कल मैंने बताया था फ्रेंड हाइड्रोमीटर के बारे में, जो हमारा बुएंसी फोर्स है, जो वाटर का ऊपर मॉलिक्यूल का जो एक फोर्स होता है बॉन्डिंग का, तो वो बताऊंगा फ्रेंड्स जब हम प्रेशर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा हाइड्रोलिक्स चैप्टर है फ्रेंड, हाइड्रोलिक्स का चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोमीटर क्या है, ठीक है। कैलोरीमीटर ये एनर्जी को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर वो भी टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, पर थर्मोमीटर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मेजरमेंट करते हैं फ्रेंड। कितना बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है बॉडी का। सेकंड देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। देखिए फ्रेंड हमारा जो लीवर है वो तीन ऑर्डर पे होता है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर, और एक होता है थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अलग अलग है, मैं इसमें बताऊंगा। ये मोमेंटम लीवर पे आता है पूरा टॉपिक, जो मैकेनिक्स पे है फ्रेंड, ऑलरेडी मेरा साइंस का टॉपिक चल रहा है, तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मतलब आंसर चाहिए, तो आप वो पढ़ सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ब्रेक पेडल, ठीक है। कोल्ड टैंक है हमारा सेकंड ऑर्डर में आता है, नट क्रैकर, व्हील बारो भी हमारा सेकंड ऑर्डर आता है, और नट क्रैकर ये थर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक पेडल हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड, ब्रेक पेडल। देखिए कल मैंने बताया था दो, मानिए एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पी फोर्स दिया, यहाँ पे सॉरी रिजल्टेंट फोर्स, इसने पूछा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो एक्टिंग अ सिंगल पॉइंट व्हिच एन एंगल थीटा, ठीक है। तो मैंने दो, एक ये बॉडी मान लीजिए, बॉडी पे यहाँ से आप खींच रहे हो, फिर यहाँ से भी आप खींच रहे हो, तो बॉडी कहाँ इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों पे जो एंगल क्रिएट होता है वो थीटा होता है फ्रेंड, ठीक है। ये माने फोर्स पी फोर्स या क्यू फोर्स है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये एक स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी मैंने इसका टॉपिक बना के रखा है फ्रेंड साइंस का, आप देख सकते हो मैकेनिक्स का जो फोर्स चैप्टर है, फोर्स चैप्टर पे मिल जाएगा पूरा डिटेल्स। फिर देखा 61, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी। देखिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला है सिंपली मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आया है, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्रेंड, इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सारे है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो ये सारा पूरा टॉपिक उस पर मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। नहीं तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए सेफ्टी फैक्टर जो होता है फ्रेंड अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्क, सॉरी हाँ अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी ये देखिए फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमारा
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, मतलब हर एक टॉपिक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो मार्क्स आता है तो आपको कट ऑफ मार्क में आना चाहिए, मतलब जो मानिए 15-20 पोस्ट है या तो 50 पोस्ट है उसमें से आपका नाम आना चाहिए, तो उस लेवल का आपको तैयारी करना पड़ेगा। व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी आइडियल हीट इंसुलेटर? देखिए मानिए कोई एक हीट इंसुलेटर है, मतलब हीट पास नहीं कर पाएगा उस पर, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या आएगा? थर्मल तो कंडक्टिव ही नहीं होगा ना। मानिए कोई एक इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, मतलब इलेक्ट्रिक को नहीं पास नहीं करेगा, तो आप बोलेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कितना पास करेगा, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, तो इसमें हो जाएगा जीरो। ठीक है, फिर देखें 65, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंड्रिकल लाइज। देखिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर का सेंटर, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो CGMIS, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा साइंस का टॉपिक चल रहा है, आप वो विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाए, आंसर सी हो जाएगा, सेंटर पॉइंट एट द सेंटर एक्सिस। ठीक है, देखिए मास ऑफ स्टील क्यूब इज 72 kg ऑन अर्थ। 72 kg अगर अर्थ में होता है तो यहाँ पे बोला है इफ ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 टाइम ऑफ द अर्थ, राइट, व्हाट विल बी द मास ऑफ क्यूब ऑन मून। तो यहाँ पे 1/6 मतलब 26 कर दीजिए जितना kg होता है, तो 12 kg हो जाएगा हमारा, सॉरी सॉरी 12 kg हो जाएगा हमारा मून सरफेस पे। ठीक है, मून सरफेस पे कोई भी जाता है फ्रेंड्स हमारा अर्थ सरफेस से, तो उसका जो वेट होता है क्या होता है, 1/6 टाइम ऑफ द अर्थ हो जाता है। मतलब मानिए हमारे अर्थ पे 60 kg है, वहाँ पे जाएंगे आप 10 kg हो जाएगा मून सरफेस पे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ ये 65 क्वेश्चन हुआ है, मानिए 15 क्वेश्चन जैसा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा अपलोड कर दूंगा, लास्ट जो 15 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं एक बार लास्ट बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जितना मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, तो मुझे पढ़ाने के लिए और भी इंटरेस्ट होगा फ्रेंड। ठीक है, तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना है, और आपको आपका फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। ठीक है, और आपको अगर कुछ कुछ मिल रहा है इस वीडियो से फ्रेंड, कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।